हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, स्पेशली फॉर टीसनेट, क्योंकि मैं टीसनेट के लिए स्पेशली वीडियो बनाता हूँ। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो कि 2019 के लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया था, तो 2020 में भी और भी मैं अच्छे तरीके से, क्योंकि इस बार डिजिटल सारे वीडियो हो चुके हैं मेरे, तो और भी आपको पढ़ाने में अच्छे लगेंगे और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और स्पेशली फॉर द टीसनेट के लिए आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा एम है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को सिलेक्शन दिलाना। ठीक है, तो स्टडी साइड इफेक्ट @ मेरा जीमेल है, इस पर आप मेल कर सकते हो कोई भी क्वारीज हो। और कोई भी स्टूडेंट मुझसे जैसे पूछते रहते हो आप 399 PDF कैसे लेना है, तो मुझे मेल करना ₹399, जिसके अंदर आपको कंप्लीट PDF, GK, मैथमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश, करेंट अफेयर अकॉर्डिंग टू टीसनेट सिलेबस रहेगा, जो कि आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही बेहतर एक ऑप्शन रहेगा। और मेरे वीडियो प्लस यूट्यूब वीडियो, जो भी स्टूडेंट देखते हो मेरे यूट्यूब YV यानी कि मेरे यूट्यूब वीडियो देखते रहना। 2020 का वीडियो आना भी शुरू हो चुका है। आप अगर देख रहे होंगे मेरे चैनल को, तो मैंने एक स्टैटिस्टिक्स के वीडियो डाले हैं और कुछ एवरेज नंबर सीरीज के भी वीडियो आ चुके हैं, तो आप वो भी देखो। और जितने भी वीडियो आते रहेंगे वो भी देखना आपको ज़रूरी है। और सबसे पहली बात तो आज मैं टीसनेट का जो एग्जामिनेशन का सिलेबस है उसको थोड़ा एनालाइजिस करेंगे। वैसे तो टीसनेट का सिलेबस कुछ चेंजेस होते नहीं है, बेसिकली जो प्रीवियस ईयर का रहता है वही रहता है। इतना सब दिखा रहे हो, इतना सब जो देख रहे हो आप, ये काफ़ी है। अगर इतना पढ़ के जाते हो तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा। आप HRM बोलो, 53 MA प्रोग्राम होती है, बहुत ही अच्छी प्रोग्राम है सारी। तो आप कोई सा भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं। सबसे पहले मार्क्स बताना मुझे ज़रूरी लगता है, क्योंकि आप नहीं जानोगे तो आपको समझने में पहले मुश्किल होगी। जो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नो नेगेटिव मार्किंग, नोट हैव नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कोई सा भी प्रोग्राम देख लो, सिलेबस चेंज कर दो, लेकिन नो नेगेटिव मार्क चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर नेगेटिव मार्क आ गया तो कट ऑफ उतना हाई जाने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न रहता है GK में। ठीक है, तो 100 मार्क्स से 40 मार्क्स देख लो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 40%, यानी कि 40 मार्क्स आएगा आपका GK का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क्स आएगा लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ का, एंड 30 मार्क्स इंग्लिश का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स से शुरू करते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन सिलेबस को देखते हुए देख लो सब क्या क्या, बेसिक 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 सारे के आगे बेसिक लगा हुआ है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहते हैं वो मुझसे पूछते हैं, जैसे कि उन लोग बहुत ही स्टूडेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करते हैं, उनको बहुत ही परेशानी होती है कि मैथ समझ में नहीं आता। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सारी बेसिक मैथमेटिक्स आएगी। तो आपको डर लगता है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखो और समझो और प्रैक्टिस करो। मैं आपको PDF में दे दूंगा, 399 के PDF में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बेसिक अर्थमेटिक्स अर्थमेटिक आपको आने वाले हैं, तो बेसिक लेवल 10th लेवल तक काफ़ी है। अगर आप जानते हो तो बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, हाँ ट्रिग्नोमेट्री के लिए 2019 में बहुत स्टूडेंट परेशान थे, तो मैं बता दूँ 1 मार्क्स का आता है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको नहीं समझ आती, आपको नहीं याद होता है, तो आप उसे छोड़ दो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ सकते हो, 1 मार्क्स का था। बेसिक स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है, वीडियो भी लाया हूँ मैं, आप देख सकते हो। नंबर सीरीज, ये तो एवरी ईयर क्वेश्चन पेपर को पलटोगे तो ये मिलेगा ही मिलेगा आपको। और मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, अगर वीडियो में आपने नहीं देखा हो तो 5 पार्ट भी आ चुके हैं, शायद 4 या 5 पार्ट होंगे, 2020 के लिए बना दिया हूँ मैं, देखो सारे वीडियो में दिखेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें काफ़ी मार्क्स आती है, इसमें शायद 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, 4 to 6 मार्क्स इससे आते ही आते हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग में स्पेशली मैं बताऊँ तो ब्लड रिलेशन, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन,
ये बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहते हैं, सेट्स के क्वेश्चन रहते हैं, तो ये सब आप पढ़ो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में आपको बताया नहीं गया क्या क्या दिया गया, लेकिन सारे कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आता होगा। लॉजिकल रीजनिंग के लिए स्पेशल कोई स्टडी नहीं किया जाता, आप क्वेश्चन नहीं भी जानते होगा और आप पढ़ के समझ लेते हो तो आप आंसर दे सकते हो। तो मैथमेटिक्स और ये लॉजिकल रीजनिंग का ये रहा क्वेश्चन। नंबर सीरीज अच्छे से पढ़ना, ठीक है? तो सेकंड और चलते हैं जनरल अवेयरनेस, और देख लो जनरल अवेयरनेस की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सोशल इशू। तो सोशल इशू भी आपको पढ़ना जरूरी है, भले नीचे लिखा नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे देख लो सोशल इशू लिखा हुआ है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है सोशल इशू। एक क्वेश्चन रहेंगे सोशल इशू के आपके, एक तो रहेंगे ही रहेंगे, इसे मैं बता देता हूँ ताकि आपको दिखे। चलो पॉलिटिक्स, तो ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है जानना। 0 आवर का क्वेश्चन आया था 2019 में, 0 आवर में क्या होता है पार्लियामेंट में, ठीक है? सोशल स्टडीज जिसमें इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री सब कुछ आ जाती है, तो इसमें सारा कुछ आपको पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस के क्वेश्चन नहीं आएंगे, जैसा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब कुछ नहीं आएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जैसे कि कोई स्पेस हो या स्पेस मिशन हो या कोई टेक्नोलॉजी नया आया हो या कोई सा भी, जैसे कि मैं एग्जांपल में बताऊं आपको, तो कोई टेक्नोलॉजी नया इन्वेंट हुआ हो, तेजस जैसे कि हमारा इंडिया का स्पेस ये था, एक फाइटर जेट था तेजस का क्वेश्चन आया था। तो देखो टीस में अगर आप कंप्लीट नहीं पढ़ रहे हो तो आपको जीके में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन में देखोगे तो एक क्वेश्चन था, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मेरी कॉम ने ये मेडल जीता, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन सा मेडल जीता मेरी कॉम ने, मेरी कॉम ने किसे हरा कर जीता या किसे किससे हार गई थी, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो किससे लॉस्ट हुई या किसको हरा कर जीती, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो सिंपल क्वेश्चन इसे नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो भी पढ़ना कंप्लीट पढ़ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो और इन्वायरमेंटल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप एक बार पढ़ो तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी है समझना, क्योंकि आप इन्वायरमेंट में ही रहते हो, आप सब कुछ पता है, कौन पोल्यूशन हो रहा है, क्या पोल्यूशन का कारण है, ओजोन लेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब सब कुछ आपको पढ़ना है। एक एग्जाम्पल तौर पे दो, और स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में बेसिकली कोई स्पोर्ट्स हुआ है तो उसके बारे में जान कर रखो कि कौन जीता है, किससे जीता है, और अवार्ड, अवार्ड तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि कौन सा अवार्ड किस लिए दिया जाता है, या स्पेशली ये टर्म कौन से गेम में यूज़ किया जाता है, ये सब जरूरी है जानना। आर्ट एंड कल्चर में बहुत कुछ आ जाती है, अगर आप पढ़ रहे हो तो टेंपल्स के नेम आ जाती है, डांस फॉर्म आ जाती है, या कौन सा जैसे कि ट्राइबल पीपल के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडियन हिस्ट्री तो आप पढ़े ही होंगे, बहुत ही बोरिंग है मैं जानता हूँ, आप भी बोलोगे यही, लेकिन क्या करें, आपको पढ़ना तो होगा ही अगर आपको टीसनेट क्लियर करना है। चलो अब चलते हैं इंग्लिश की ओर। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर आता है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अच्छे से तैयारी करो, 10 मार्क्स रहेंगे इससे, ठीक है? 10 मार्क्स नहीं रहेंगे तो भी 5 मार्क्स रहेंगे ही रहेंगे, और वही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसा कि आपने पैसेज पढ़कर आंसर दे, तो देखो ये बहुत टाइम लेता है, तो इसका प्रैक्टिस जितना अच्छा से करोगे उतना अच्छा है, ठीक है? और वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग इंग्लिश में क्या कर रहे हैं, तो वर्बल रीजनिंग के बारे में, तो ये रीजनिंग का टॉपिक है, ठीक है? जो भी हटाओ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑड वन आउट, एनालॉगीज, बहुत ये एनालॉगीज में क्या क्या कर देंगे कि सिनोनिम्स के ही क्वेश्चन उठाकर, एंटोनिम्स के ही क्वेश्चन उठा के एनालॉगीज में सेट कर देते हैं, जैसा कि ऐसा नहीं है फैन रिलेटेड टू एयर तो कार रिलेटेड टू क्या होगा, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। ऑड वन आउट यानी कि फैन, चेयर, टेबल, तो ऑड कौन सा होगा, फैन होगा, क्योंकि
चेयर फर्नीचर है, टेबल फर्नीचर है, ऐसा ऐसा ऑड वन आउट इंग्लिश से रिलेटेड, ये तो रीजनिंग में बोल दिया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये सेंटेंस करेक्शन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देख लो, आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपरेशन करोगे तो ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा सिलेक्शन। आप ले के जो जो मर्जी आ रहा हो पढ़ रहे हो तो नहीं, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि सही टाइम क्या होता है टीसनेट का प्रिपरेशन करने का, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, मेरे लिए कोई भी सही टाइम नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ते रहो, और जीके के लिए तो हमेशा आपको पढ़ना है, क्योंकि एक बार जब करंट अफेयर्स देखोगे आप तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे पढ़ते रहना है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज नोट करना है कॉपी में नोट कर सकते हो, याद रखना है तो याद रख सकते हो, जो करना है आपको करो, लेकिन जीके की तैयारी अच्छे से करो। और ये कोई हार्ड नहीं है अगर आप अच्छा से पढ़ रहे हो तो, लेकिन आप लोग डीपली एनालिसिस करके पढ़ना जरूरी है आपको इंग्लिश के, खासकर जीके के लिए। जैसा कि मैं आपको बताया ना कि क्वेश्चन कैसे सेट करते हैं, किससे हारी थी, तो ये भी आपको जान के रखना है, या इस फॉरनर को, कौन से फॉरनर को ए अवार्ड मिला था, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको सारे कुछ मिल जाएंगे, जिनको पीडीएफ लेना पीडीएफ ले सकते हो, और मेरे वीडियो भी आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि पीडीएफ ही केवल दूंगा मैं, मेरे वीडियो भी आते रहेंगे टीसनेट से रिलेटेड, उसको भी पढ़ते रहना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि मैं टीसनेट पे ही बेसिकली वीडियो बनाता हूँ। अगर मेरे चैनल में आए हो तो आप देख सकते हो। और दिस ईयर बहुत ही अच्छे सिलेक्शन हुआ है, और 2020 में इसका डबल कर देना है सिलेक्शन, ताकि आपके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। मेरा भी मकसद है कि आपको सिलेक्शन कैसे भी करके, कैसे भी पढ़ा कर, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो वीडियो आते रहेंगे, उसको पढ़कर आप सिलेक्शन ले लो। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा।